iOS 18 में ऐसे ऐसे फीचर मिलने वाले हैं ना जिससे आईफोन यूजर बोलेंगे, और कुछ फीचर ऐसे भी है गाइस जिसको एंड्रॉइड वालों ने कभी सोची ना होगी। सबसे पहला फीचर जो है ना गाइस, वो थोड़ी सी नॉटी लोगों के लिए है जो अपने फोन में स्टडी मटेरियल कदे दबा के रखते हैं, लेकिन उसको छिपाने के लिए आज तक आईफोन में कोई भी कलाकारी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब कर पाओगे। सिंपली जो भी ऐप को आपको हाइड करना है उसको आपको दबा के रखना है थोड़ी देर तक, और वहां पे ऑप्शन आ जाएगी आपको फेस लॉक के साथ में खोलना है या फिर इसको और सिक्योर करने के लिए इसको हाइड करना है। तो आपने मान लो यहाँ पे हाइड कर दिया, तो सिंपली आपको हाइड कर देना है, और बाद में उसको देखने के लिए सिंपली ऐप के लाइब्रेरी में जाना है और वहाँ पे हाइड वाले को सिलेक्ट करना है। तो वहां पे क्लिक करोगे तो आपका हाइड वाला जो ऐप है वो आ जाएगा और आपको आंखों को स्कैन करके बूम सीना खुल जाएगा। एंड्रॉइड यूजर भी लाइक बहन ये तो हम बचपन से यूज कर रहे हैं। दूसरा फीचर है ऐप कस्टमाइजेशन, जहां पे आप लोग एप्लीकेशन को उठा के जिधर मन उधर रख सकते हो। आप इधर करना है इधर कर दो, ऊपर करना है ऊपर कर दो, नीचे मन नीचे कर दो, या फिर एप्लीकेशन के जो कलर होते हैं उसको डार्क कर सकते हो या फिर लाइट कर सकते हो, या फिर अपने अकॉर्डिंग इसको कर्सर को मूव करके आप एक टिंट दे सकते हो उस वाले फॉन्ट को। फॉन्ट नहीं मतलब एप्लीकेशन को मैं पिंक दूंगा यार, पिंक मुझे ज्यादा पसंद है। और यहाँ पे एप्स के जो आइकन है ना गाइस, उसको छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो, या फिर फोन में आपको थोड़ी सी ज्यादा क्लीन लुक चाहिए तो यहाँ पे ऐप के जो नाम होते हैं यानी टेक्स्ट लिखे होते हैं, भाई ये फलाना ऐप है ये ढिमक्का ऐप है, तो वहाँ पे उसको भी हाइड कर सकते हो, सिर्फ उसका लोगो आप लोगों को दिखेगा जिससे और क्लीन लुक आएगी। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है, प्लीज इस वीडियो को वायरल कर दो और सुपर से डुपर बना दो प्लीज। हो गया भीख मांग के। और यहाँ पे फोन डायलर में भाई दो बड़े चेंजेस किए गए हैं। सबसे पहला फीचर है कॉल रिकॉर्डिंग, मतलब iOS यूजर ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हम कॉल को रिकॉर्ड कर सकते हैं भाई, तो यहाँ पे वो फीचर भी मिलने वाला है। तो यहाँ पे भाई हमें भगवान पे विश्वास है कि भाई बस भगवान सच्ची में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सब जो चमत्कार है ना गाइस वो वही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। और दूसरी फीचर में भाई एप्पल ने कतई जान लगा दी है भाई, पहले साल से लेके 15 साल उनको बीत चुके हैं इस फीचर पे काम करते करते, तब जाके फाइनली यहाँ पे ये वाला फीचर हमें देखने को मिला है, वो है T9 डायलर, जहाँ पे हम लोग 2-4 नंबर टाइप करेंगे ना तो यहाँ पे वो नंबर आ जाएगा आगे में भाई कि आप ये तो नहीं ढूंढ रहे या फिर ये तो नहीं ढूंढ रहे, सजेशन जैसे आता है एंड्रॉइड फोन में। क्या मतलब एंड्रॉइड फोन में आता है, अभी फीचर फोन में भी आता था, इसका मतलब ये थोड़ा भाई मतलब आईफोन वालों ने काम किया है, समझ रहे हो, मतलब इससे स्मूथ या फिर इससे बेहतरीन चीज किसी में और में है ही नहीं भाई, मतलब T9 डॉलर है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे मैं दो ऐसे फीचर बताने वाला हूँ जिसको एंड्रॉइड वालों ने सोची ना होगी। फ्लैश लाइट तो हम सभी यूज करते हैं, एंड्रॉइड में भी है एप्पल में भी है, उसको लाइक रोशनी को बढ़ा घटा भी सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अब iOS में क्या है भाई, आप फोकस कर सकते हो रोशनी को, मतलब फैला रहे हो या फिर उसको मतलब एक जगह पे निशाना लगाना है, फोकस देना है, ठीक है ना, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे कर सकते हो। तो भाई एंड्रॉइड में ऐसा कुछ था नहीं और इन्होंने कर दिखाया, तो भाई। और दूसरा फीचर भाई एप्पल विजन प्रो से ली गई है आई ट्रैकिंग, जहां पे आप अपने पूरे के पूरे फोन को ना आंख से कंट्रोल कर सकते हो, मतलब ऐसे देख रहे हो या फिर ज्यादातर घूर के देख रहे हो तो यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर इधर उधर मूव कर रहे हो तो एप्लीकेशन मूव हो जाएगी, मतलब फोन को कंट्रोल कर सकते हो आप अपने आंख से, जैसे हमारे मम्मी पापा बचपन में हमें आंखों से कंट्रोल किया करते थे ना, ओए उधर नहीं जाना है, पैंट में मुंह देते थे, मिडिल क्लास रिलेटेड। पांचवा जो फीचर है गाइस वो है कंट्रोल सेंटर को लेकर के, यहाँ पे कंट्रोल सेंटर्स पे जो लाइक ये जो मतलब आइकन्स देख रहे हो इसको आप लोग बड़ा छोटा कर सकते हो अब, और इसको उठा करके इधर से इधर, इधर से उधर कहीं भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पे कुछ ऐड करना है कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का शॉर्टकट वो भी यहाँ पे कर सकते थे, कर सकते हो आप, या फिर यहाँ पे किसको रखना है किसको नहीं रखना है वो सारे के सारे डिसाइड यहाँ पे आप करोगे। और यहाँ पे ऊपर अब यहाँ पे स्क्रॉल करते ना हम लोग तो क्या होता है भाई ये क्लोज होता है, लेकिन वहाँ पे वैसा नहीं होगा, यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल अप करोगे तो यहाँ पे आपको पहले मीडियास दिखेंगे, यहाँ पे गाने वगैरह सुन सकते हो, और उसके बाद यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन वगैरह दिख जाएगा। वैसा गर्मी इतनी है भाई क्या करूँ, 75 कट्स लिए हैं पसीना पोछने के लिए, समझ रहे हो। और यहाँ पे मैं आप लोगों को लिस्ट दिखा रहा हूँ जहाँ पे देख सकते हो भाई किस किस को अपडेट मिलेंगे और किस किस को, लेकिन यार मेरे हिसाब से एक फीचर दे देते ना भाई काफ़ी ज़्यादा सही रहता, थोड़ी सी विंडोज़ के साथ में कनेक्टिविटी दे देते ना, क्योंकि भाई फाइल्स वगैरह ट्रांसफ़र करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मैंने पर्सनली मैं रोज़ फेस करता हूँ यार, समझ रहे हो भाई दुख होती है, उस पर काम करो यार थोड़ा सा।